आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्थ टुडे में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कोरोना वायरस से जुड़े 4 प्रचलित टेस्ट कौन से हैं। इनमें सबसे पहले आता है RT-PCR टेस्ट। दोस्तों, कोरोना वायरस की जांच का यह एक तरीका है। इसमें वायरस के RNA की जांच की जाती है। RNA वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। इसमें नाक एवं गले व तालू से स्वैब लिया जाता है। यह टेस्ट लैब में ही किया जाता है, जिसका रिजल्ट आने में 12 से 16 घंटे लग जाते हैं। नंबर 2 पर आता है रैपिड एंटीजन टेस्ट। इसमें कोरोना संक्रमण के वायरस की जांच की जाती है। इसमें नाक से स्वैब लिया जाता है। इस टेस्ट से वायरस में पाए जाने वाले एंटीजन का पता लगता है। इसका रिजल्ट आने में 20 मिनट लगती हैं। नंबर 3 पर आता है ट्रूनेट टेस्ट। ट्रूनेट मशीन के द्वारा न्यूक्लिक एम्पलीफाइड टेस्ट किया जाता है। अभी इस मशीन से TB व HIV संक्रमण की जांच की जाती है। इसमें नाक या गले से स्वैब लिया जाता है। इसमें वायरस के न्यूक्लिक मटेरियल को ब्रेक कर DNA और RNA जांचा जाता है। इसका रिजल्ट आने में 3 घंटे लग जाते हैं। नंबर 4 पर आता है एंटीबॉडी टेस्ट। यह शरीर में पूर्व में हुए कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच के लिए किया जाने वाला टेस्ट है। संक्रमित व्यक्ति का शरीर लगभग 1 सप्ताह बाद लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है। 9वें दिन से 14वें दिन तक एंटीबॉडी बन जाती है। यह खून का सैंपल लेकर किया जाता है, जिसका रिजल्ट आने में 1 घंटा लगता है। दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है कि कोरोना वायरस से जुड़े 4 टेस्ट कौन कौन से हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें। धन्यवाद साथियों।